बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मैं आपका दोस्त गुल खान। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इनक्यूबेटर बनाने का तरीका, बहुत ही आसान तरीका है इनक्यूबेटर बनाने का। इस वीडियो में आप देखेंगे इंशाल्लाह, आप अगर ये वीडियो पूरी मुकम्मल देख लें तो आप घर बैठे आराम से इनक्यूबेटर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल्स बताऊँगा जब इनक्यूबेटर बना रहा भी हूँ और जो उसका रिजल्ट निकला है तो वो भी बताऊँगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चले वीडियो की जानिब। इनक्यूबेटर बनाने के लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आप लोगों को पहले वो बता देता हूँ। डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर है ये, W1200, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। ये पिन वाला होल्डर है। बल्ब ले लेना है पीला वाला 60 वाट का। ये DC फैन है 12 वाट का है। ये अडोप्टर है 12 वाट का है। ये फैन और डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल को चलाने के लिए काम आएगा। एक आपने इस तरह का ब्लेड ले लेना है, स्क्रू ड्राइवर, 1.5 इंच वाले स्क्रू, नट और वार्शल, 2 मीटर वायर ले लेनी है जिसके अंदर डबल वायर हो, एक स्कॉच टेप ले लेनी है बड़ी मोटी वाली चौड़ी वाली, और एक इस तरह की टेप ले ले। इस तरह का आपने एक बॉक्स ले लेना है। आगे लगाने के लिए शीशा है तो ये आप आगे इसलिए लगाएंगे ताकि आपको जब भी आप बॉक्स के अंदर देखें तो ये आगे शीशे से देख पाएंगे। फैन के अंदर आपने स्क्रू डाल देने, फिर उसी नाप से आपने बॉक्स के अंदर सुराख कर देंगे, फिर उसको वहाँ पर टाइट करना है। तो अब ये देखें, फैन के अंदर नट लगने के बाद वार्शल रख के फिर बॉक्स के सुराख से बाहर निकाल के फिर पीछे से स्क्रू टाइट कर देना है। वायर छीलेंगे, वायर के अंदर 2 वायर इस तरह की होगी, उसको पिन वाले होल्डर के अंदर लगाना है। दो वायर्स होल्डर की हो गई है और ये 2 साथ वाली जो हैं ये फैन। एक वायर का पीस काट लेना है, वो लगाना है +12V पे। तो फिट करके मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। दूसरी वायर GND पे लगानी है तो मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ।
लोगों को इसकी फिटिंग करके बता दूँ, ये डिजिटल टेम्परेचर के अंदर दो वायर्स लग चुकी है और ये दो होल्डर की हो गई है, जो अंदर होल्डर लगा है पिन वाला। तो इसके पिन वाले होल्डर की जो वायर्स है वो लानी है रेड वाली, आपने किस पे लगानी है मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ। आपने लगानी है K0 पे लगानी है, एक वायर एक्स्ट्रा ले लेनी है, उसको लगाना है K1 पे, कि एक्स्ट्रा वो एक तार होगी, यानी कि वो उस डायरेक्ट डिजिटल टेम्परेचर से होते हुए बाहर आएगी, मतलब ये K1 पे ये लगानी है। डिजिटल टेम्परेचर के अंदर जो दो वायर लगाई थी उसमें से देखें वो वायर किसके कनेक्ट करनी है, वो DC फैन के साथ कनेक्ट करनी है। तो जो दो वायर्स लगाई थी, एक लगाई थी 12V के साथ लगाई थी एक वायर जिसमें लगाई थी, और एक लगाई थी GMC के साथ। तो उनमें से जो एक वायर निकली थी वो DC फैन के साथ जोड़नी है, रेड वाली रेड के साथ और ब्लैक वाली ये अडॉप्टर है, ये इसकी स्विच वाली साइड है और ये दूसरी तार वाली। तो ये तार इसकी लंबी है, तो उसकी तार काटनी है, उसकी तार काट के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने तार ऐसे काट देनी है, की तार आपस में चिपकी हुई है तो आपने उसको यूँ खींच के खोल देना है और उसको छील के चेक कर लेना है कि कौन सी प्लस की कौन सी माइनस की है। तो आप चेक कैसे करेंगे, जहाँ पर आपने इंक्यूबेटर जो है वो DC और फैन और वो डिजिटल टेम्परेचर आपस जोड़ेंगे, वहाँ पर पहले आपने सर से ऊपर से लगा के स्विच में डाल के चेक करना है कि फ़ैन चल रहा नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो फिर आपने तार को आगे पीछे करके, यानी ब्लैक को जो आपने लगाई थी उसको आगे पीछे करके लगा देना है। फिर जब चल जाएगा तो फिर आपने जिस जो चल गया होगा, जिसमें मेरा चल गया है तो मैंने इस पर क्या किया, जो प्लस वाली था प्लस वाली तार थी अडॉप्टर की, उसमें मैंने गिठान लगा दी, क्योंकि याद रही ये प्लस की तार है और उसी माइनस वाली खाली रहने दी। सारी वायर्स जुड़ चुकी है, खाली एक होल्डर की जो रह गई थी ब्लैक वाली, और जो डिजिटल टेम्परेचर के अंदर एक्स्ट्रा तार लगाई थी वो रह गई है, उसको कहाँ लगानी है बताता हूँ मैं आपको। अडॉप्टर की स्विच वाली वायर का सामने क्या करना है, जो एक डिजिटल टेम्परेचर की वायर थी और एक होल्डर की थी वो हमने जोड़नी, तो जोड़ के मैं बताऊँ कैसे किस तरह आपने जोड़नी इसके साथ। हमने क्या करना, दोनों तारों को छील लेना है, उसका अडॉप्टर की जो तार थी उसको ऊपर से एक को छीलना है और एक को नीचे से छील लेना है, इस तरह से मैंने छीली हुई है। तो इसको आगे पीछे लगा दें, जो भी है जो तार बची हुई है एक डिजिटल टेम्परेचर ली और दूसरी है, वो आगे पीछे करके लगा दें, आपको लगा के दिखा देता हूं। आपने के भी ले लेना है ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, ये जो नीचे आपको परसेंटेज में शो हो रहा है ये बड़ा बड़ा 36 लिखा हुआ है ये ह्यूमिडिटी है, और जो ऊपर शो हो रहा है 31.9 ये इसका टेम्परेचर है। अभी फिलहाल ये कमरे में पड़ा हुआ तो ये टेम्परेचर शो कर रहा है। तो आपने इंक्यूबेटर में ये भी लगाना है, बताता हूँ ये कैसे लगाना है। आपने क्या करना है, इंक्यूबेटर के इधर ऊपर साइड पर जैसे इधर ये लगा हुआ टेम्परेचर वाला, तो आपने इधर थोड़ा सुराख कर देना है इसके लिए, ताकि इसमें ये आसानी से फिट हो जाए। तो उसमें फिट करना, और ये जो इसकी जो ये तार है ये आपने अंदर डाल देनी है, ये अपने अंदर डाल देनी है, यहाँ से मेरे सुराख से अंदर जाएगा और ये इस पर लग जाएगा ये।
तो मैं आपको लगा के दे, ये देखिए मैंने लगा दिया ये, ये भी इनक्यूबेटर के अंदर इसकी जो वायर थी वो मैंने अंदर डाल दी, और ये भी फ़िलहाल इनक्यूबेटर बंद है। तो ये फ़िलहाल ये दिखा रहा है टेम्परेचर जो इसका है, और ह्यूमिडिटी 35 है। और आपने फ्रंट पे ना एक ये छोटा सा सुराख भी कर देना है, ताकि जो बाहर की हवा वो भी तो अंदर हल्की फुल्की क्रॉस हो सके, अंदर जा सके। तो छोटा सा आपने एक सुराख, बाकी पूरा पैक होगा, आपने ऊपर भी कपड़ा रखना है, लेकिन अब बाकी पूरा बंद होगा, लेकिन आपने इधर छोटा सा एक सुराख भी कर देना फ्रंट पे। तो अभी मैं आपको इसकी सेटिंग बताता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे करनी, तो उसको पहले ऑन कर देते हैं। मैंने इनक्यूबेटर को ऑन कर दिया है, लेकिन इसकी लाइट वगैरह नहीं लगी, तो मैं आप लोग को इसकी सेटिंग बता दूंगा। जब तक इसकी सेटिंग नहीं होगी तो ये सही से काम नहीं करेगा। तो मैं भी आप लोग को इसकी सेटिंग बता देता हूँ, मैं आप लोग को इसकी सेटिंग बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। ये तीन बटन हैं, ये प्लस है और ये माइनस है साथ वाला। इसको आपने सेटिंग कैसे करना है, पहले पूरा सेट कैसे करना है, आपने जो पहला फर्स्ट बटन है इसको आपने दबा के रखना है। इसको आप दबा के रखेंगे तो फिर ज़ीरो आ जाएगा। आप फिर ज़ीरो आ गया तो आपने इसको दोबारा एक बार प्रेस कर देना है। ये भी कूलिंग हो रहा है, तभी इसकी लाइट जो है बंद है, इसलिए क्योंकि कूलिंग है। आप इसके साथ वाला बीच दबाएंगे तो ये हीट हो जाएगा, मतलब इसमें हीट पैदा करेगा। तो देखें इसके अंदर जो है लाइट है वो ऑन हो गई, बल्ब ऑन हो गया। तो यहाँ से अगर इसको दबाएँगे तो ये सी हो जाएगा, मतलब कि ठंडक करेगा, और ठंडक के लिए हो जाएगा, ये कूलिंग के लिए हो जाएगा। अगर हम लेकिन सेटिंग चलेगा, आप इसको दोबारा दबा के रखेंगे फर्स्ट बटन को, तो दोबारा ही वही सेटिंग आ जाएगी। तो आपने इसको क्या करना है, इसको जैसे प्रेस करके इसको दबा देना है कि अभी कूलिंग हो रही है। तो आपने क्या करना है, कूलिंग करनी है, हीट का सेट करना, तो इसको लाइट्स ऑन हो जाएगी। पी ज़ीरो की सेटिंग ये है, सही है। फिर आपने क्या करना है, आपने दोबारा ये बटन दबा देना है साथ वाला, फिर आपने इसको प्लस कर देना है, बीच वाला इसको दबाना है तो पी वन आ जाएगा। पी वन की आपने सेटिंग क्या रखनी है, आपने फिर इसको प्रेस करना है फर्स्ट बटन को, तो यहाँ 0.5 है इधर। तो आपने इसको क्या करना है, इसको 3 करना है, इसको कम करना है। तो कम इससे होता है, इसको आपने 3 पे रख लेना है 0.3 पे। इसमें ये होगा कि जब टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर सेट करेंगे, अगर उससे 0.3 भी ऊपर होगा तो वो बंद हो जाएगा, अगर उससे नीचे होगा तो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाएगी, अगर ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाएगी, बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो अब कहाँ से हम देखिए दोबारा टाइम आउट हो गए, तो ये दोबारा दबा के प्रेस करके रखेंगे आप, दोबारा से पी ज़ीरो था, पी ज़ीरो की सेटिंग हो गई थी, पी वन की भी हमारी हो गई थी ये, तो अब पी टू की देख लेते हैं, और बाकी सब सेम रहेगा, खाली पी ज़ीरो की और पी वन की आपने सेटिंग करनी, बाकी सेम सारी जो है P3, P4, P5, P6 ऐसी ही रहेगा। अब हमने सेट कर दिया है, लेकिन हमने इसका टेम्परेचर सेट करना है कि आप अगर एग्स रखेंगे तो कितने टेम्परेचर के अंदर रहना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसको पहले फर्स्ट बटन को एक दफ़ा दबा देना है, प्रेस कर देना है, अभी पटकने लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, इधर से क्या है इस जो मतलब इसका फ़िलहाल जो भी टेम्परेचर इस पर फिट हुआ हुआ है वो है 35.5 है। तो हमने इसको ज़्यादा करना है, तो हम इसे प्लस दबाएंगे, हमने कितना रखना है, तो अभी हम इसको एक बार प्रेस कर दिए पटकने लगे, तो आपने सेट करना है, बीच वाले से दबाएंगे हम ज़्यादा करेंगे इसको। तो हमने कितना रखना है, ना उसके लिए टेम्परेचर अगर एग्ज रखेंगे तो हमने जो सेट करना है वो है 37.7 पे। देखिए अब ये सेट हो गया 37.7 पे सेट हो गया। जैसे इसका टेम्परेचर 37.7 पे जाएगा तो ये इसकी जो लाइट्स है वो ऑफ हो जाएगी, बल्ब उसके ऑफ हो जाएंगे। जैसे ये 37.4 से जैसे ये नीचे आने लगे तो उसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगे। तो आपको ये देखा भी देता हूँ मैं, तो फिलहाल लाइट जो है इसकी ऑन हुई है, क्योंकि टेम्परेचर देखें, इसको सेट होने में भी टाइम लगता है। तो ये देखें अभी टेम्परेचर से ऊपर जा रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ जब टेम्परेचर अपने पहुँच जाएगा तो ये लाइट खुलेगी और बंद ऑफ होगी। तो देखें अब फिलहाल देखें लाइट जो है लगी हुई है अंदर, जो उसका आपने टेम्परेचर वो था जो उसके साथ वायर थी जो उस टेम्परेचर वो भी आपने अंदर डाल देनी है। देखें इधर से आपने अंदर डाल देनी है, और जो इसके साथ भी था वो भी आपने अंदर डाल देना है। दोनों को आपने सेंटर में रखना है, बिल्कुल जैसे रखे हुए बिल्कुल सेंटर में आपने रख देना है। तो लेकिन इससे इसका टेम्परेचर ऊपर जा ही जा रहा है, तो जैसे ये अभी 37.7 को जैसे क्रॉस करेगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। देखें ऑफ हो गई, 37.5 है। तो ये आपको मैंने सेटिंग बता, आपने इस तरह का बर्तन ले लेना है छोटा, उसको क्या करना है, इसके अंदर पानी डाल देना है, पानी से उसको भर देना है, और फिर इसको इनक्यूबेटर के अंदर रखना है, लाइट के नीचे रखना है इसको,
और इसको लाइट के नीचे रखने के बाद आपने इसको लाइट के नीचे रख लिया, फिर आप इसके अंदर लकड़ी का बुरादा डाल दें, जो इनक्यूबेटर के जो बाकी जहाँ पर एग्स रखने होंगे वहाँ पर लकड़ी का बुरादा डाल दें, या चोकर मिलती है जो चारे की दुकान से मिलता चोकर होता है, लकड़ी का बुरादा हो या चोकर हो आपने वो डाल देना इसके अंदर जहाँ पर एग्स रखने हों, और आपने 3 घंटे तक खाली इनक्यूबेटर चलने देना है। इनक्यूबेटर को ऑन कर देंगे वो अपने टेम्परेचर पर चलता रहेगा 3 घंटे खाली, 3 घंटे बाद आपने एग्स रखने हैं, और रखने किस तरह वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 घंटे तक के अंदर आप जब अंडे रखेंगे तो आपने अंडे के ऊपर 2 निशान लगाने, एक प्लस का एक माइनस का। जब आप एग्स रख देंगे अंडे अंदर रख देंगे तो आपने क्या करना, 8 घंटे बाद जब इनक्यूबेटर पर पड़े रहे अंडे, 8 घंटे बाद आपने अंडों को टर्न करना है, यानी कि रोटेट करना है, इस तरह प्लस वाला निशान नीचे चला जाए और माइनस वाला ऊपर आ जाए 8 घंटे बाद, इस तरह करना। फिर अगले 8 घंटे बाद आपने दोबारा इस तरह रोटेट करना है ईजीली, सब अंडों को इस तरह करना, प्लस वाला ऊपर आ जाए और माइनस वाला नीचे चला जाए। 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर आपने 3 दफ़ा करना है, 8-8 घंटे के बाद इस तरह रोटेट करना है। ये कितने दिन तक करना है आपने, 18 दिन तक आपने रोटेट करना है सारे अंडों को इसी तरह ही, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, हर 8-8 घंटे बाद 18 दिन तक करना है। 18 दिन के बाद आपने रोटेट नहीं करना, बस जैसे अंडे हों आपने फिर उसको छोड़ देना है, मतलब अंडों को आपने फिर घुमाना नहीं है 18 दिन के बाद, 18 दिन तक आपने करना है। 18 दिन के बाद अंडे जैसे पड़ेंगे वैसे ही रहेंगे, उसको फिर रोटेट नहीं करना। 18 दिन के बाद आपने जो पानी का बर्तन छोटा रखा था वो उठा के अपने इस तरह बड़ा बर्तन रख देना है पानी का, उसमें पानी भर देना है और उसके ऊपर जाली लगा देनी है इस तरह जिस तरह मैंने लगाई हुई है। इससे क्या होगा, जब आपका चिक्स अगर निकलेगा हैच हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पानी के अंदर अगर चला गया तो मर जाएगा, तो क्या अगर पानी के अंदर नहीं जा पाए, इसलिए ऊपर से जाली लगा देनी है आपने इस तरह की, जाली लगा देनी है ताकि चूजा उसके ऊपर पानी के अंदर नहा जा सके, और पानी को खाली नहीं होने देना इस बर्तन के अंदर से, छोटा बर्तन रखा तो उसके अंदर ही उसके रोज़ाना पानी डालना है, पानी हर वक्त भरा रहे इसके अंदर। जब भी आप देखा पानी कम हो रहा है तो आप पानी और थोड़ा और डाल देना है, पानी को ख़त्म नहीं होने देना है। माशाल्लाह से हैचिंग स्टार्ट हो गई, देखें ये अंडा टूट रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आज 22वां दिन है, माशाल्लाह से तमाम चूज़े हैच हो चुके हैं, आपके सामने देख सकते हैं आप। तो ये इसका आपको दिखा दूँ जो चिलका है चूज़ अंडे का, तो उसमें तमाम चूज़े हैच हो चुके हैं। तो इनको क्या करना है, 21 दिन जब 21वां दिन हुआ था तो एक चिक्स निकल चुका था, तो 22वें दिन ये 2 चिक्स निकले, तो इंशाल्लाह जब 22 दिन पूरे हो जाएंगे 23वें दिन मैं इसको इसके इनक्यूबेटर से निकाल दूँगा। 21वां दिन पहला चूज़ा निकला था, आज 22वां दिन है और 22वां दिन भी पूरा होने वाला है, तो मैं इनको शाम को निकाल दूंगा इसके अंदर से इनक्यूबेटर के अंदर से, फिर किसी बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें मैं सुराख वराख कर दूंगा और उसमें मैं लकड़ी का बुरादा डाल के इनको दाना पानी डाल दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इनक्यूबेटर बनाने का तरीका समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया होगा तो मेरे चैनल को असील इंस्टॉलर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखना, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।